न्यूज आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद अभी हम आपको बताते चलें कि मीरपुर आजाद कश्मीर की तहसील डडियाल में पहले गवर्नमेंट इंटर साइंस कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात बता रहे रफीक मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। मीरपुर आजाद कश्मीर की तहसील डडियाल कठार दिलावर खान में तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की लागत से इंटर साइंस कॉलेज की बिल्डिंग तामीर करके कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस दरसगाह के लिए एक तो मैं दुआ करता हूँ, जो यहाँ इसातजा है उनका वालदैन का जो किरदार है वो तालिब इल्मों से भी ज्यादा है। कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों ने शिरकत करके बिला सियासी तफरीक तालीम के फरोग के लिए खूबसूरत मिसाल कायम की। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो तालिब इल्म जो तालीम हासिल करेंगे वो आगे चलकर कश्मीर के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर तौर पर पाकिस्तानी साबित होंगे। इंटर कॉलेज के क्याम से कबल कठार दिलावर खान से बच्चे हुसूल तालीम के लिए दीगर शहरों का रुख करते थे, जबकि माली वसाइल न रखने वाले अक्सर बच्चे तालीम से महरूम रह जाते थे। कॉलेज की तामीर और इफ्तिताह के बाद फर्नीचर, लाइब्रेरी, साइंस लेबोरेटरीज व दीगर जरूरियात पूरी करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमने 2 मेडिकल कॉलेज का क्याम अमल में लाया है, IT यूनिवर्सिटी का क्याम अमल में लाया है, कैडेट कॉलेज का क्याम डुडियाल में लाया है। सो तालीम पर हमारी हुकूमत सबसे ज्यादा कंसंट्रेट कर रही। सबसे बड़ा जो मसला है इसमें आ जाता है कि इसमें हमें इल्म अदब के स्टूडेंट जो है वो भी जो है एनरोल करना पड़े, लेकिन इल्म अदब के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए हमारे पास स्टाफ कोई नहीं है। हुकूमत कॉलेज के लिए नए माली साल में सियासियात, माशियात और इल्म तारीख की पोस्टें मंजूर करके तालीमी पसमानदगी को दूर और मेयारे तालीम बेहतर कर सकती है। डडियाल की सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल कठार दिलावर खान में पहले इंटर साइंस कॉलेज के क्याम से मकामी तलबा को घर की दहलीज पर एक दरसगाह मयसर आ गई है। मोहम्मद रफीक मुगल, आज न्यूज, मीरपुर आजाद कश्मीर। और नाजी इसी के साथ ही मिड डे न्यूज का वक्त खत्म हो जाता है। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा आप जरूर हमें ईमेल करके बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है midday@rush.tv। इसी के साथ ही मिड डे न्यूज की पूरी टीम और अलीना श्री को कल मिड डे तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।